हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज के नए सेशन पर, जो कि मैं बताने वाला हूं कैसे आधार कार्ड को टैम्पर करने पर, आधार कार्ड के इन्फॉर्मेशन को टैम्पर करने पर 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। तो क्या क्या उसमें पॉइंट्स आ सकते हैं जिसमें आधार कार्ड के इन्फॉर्मेशन को आप अगर टैम्पर करें, अगर आधार कार्ड के इन्फॉर्मेशन में आपका चेंजेस हो जाए तो क्या क्या फाइन मिल सकता है, क्या क्या फाइन हो सकता है। तो इसमें पहला आता है इम्पर्सनेशन बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इज एन ऑफेंस। मतलब इसका अगर कोई उसमें आधार इन्फॉर्मेशन में अगर फॉल्स डेमोग्राफिक या फिर बायोमेट्रिक दे दे, मतलब अपना चेहरा हो और किसी का उंगलियों का बायोमेट्रिक्स दे दे, आंखों का बायोमेट्रिक्स और किसी का हो, मतलब अगर एक इंडिविजुअल का वो ना हो के अलग अलग इंडिविजुअल का वो बायोमेट्रिक्स हो, देन उस केस में क्या हो सकता है। अगर ये पता चला देन वो केस में 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 रुपीज का फाइन होगा। मतलब 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट के साथ आपको 10,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। नेक्स्ट सेकेंड होता है अप्रोप्रिएटिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन आधार नंबर होल्डर बाय चेंजिंग और अटेम्प्टिंग टू चेंज। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे आधार बना लिया है अपना, जैसे सबको आप सबका आधार बन चुका है, और अगर कोई उसमें चाहे जाके आपका फोटो रहेगा, आपका नंबर रहेगा, आपके नंबर पर, और किसी का बायोमेट्रिक्स को ऐड करेगा और किसी का आपका बायोमेट्रिक्स को डिलीट कर देगा, अगर ऐसे कोई करने को कोशिश करे, अगर उसमें वो बनाने की कोशिश करता है कि ताकि उसमें वो अपना अप्रोप्रिएट बना सके, मतलब अप्रोक्सीमेटली आधार कार्ड के साथ समान कर सके बायोमेट्रिक्स और किसी का, आदमी का चेहरा और किसी का, मतलब आपने एक बार दे दिया है और कोई आके उस पर छेड़खानी कर रहा है, देन उस केस में भी आपको 3 इयर्स प्लस 10,000 रुपीज का फाइन होगा। 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 रुपीज का फाइन होगा। अभी थर्ड इसमें आता है प्रिटेंडिंग टू बी एन एजेंसी और ऑथोराइज टू कलेक्ट आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन ऑफ ए रेसिडेंट। मतलब कभी कभी होता है, आपको पता होगा, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन क्या बहुत ही सिक्योर्ड है, और कोई बोलता है आके कि मैं आया हूं और आपको इन्फॉर्मेशन में ये करूँगा, शेयर करना चाहता हूँ, आपका चाहिए ये पॉपुलेशन काउंट हो रहा है, कोई भी एजेंसी आके किसी क्षेत्र में अगर कोशिश करे कि वो आपसे आपका आधार नंबर लेके और उसको जाके इन्फॉर्मेशन को कहीं कहाँ पे लीक करे और अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज करे, तो उस केस में भी अगर पकड़ा जाता है तब भी 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 रुपीज आइनर फाइन, और जो कंपनी उसको बना रहा होगा या फिर जो बता रहा होगा कि मैं ये कंपनी से हूं, उसको 1 लाख रुपीज का फाइन पड़ेगा, 1 लाख फॉर द कंपनी होल। तो इसमें क्या हो गया, 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 रुपीज आइनर का फाइन प्लस 1 लाख रुपीज कंपनी को भी फाइन पड़ सकता है। इसमें चौथा आता है अगर इंटेंशनली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन टू अन अनऑथोराइज्ड पर्सन। अगर हम लोग जब भी जाके आधार एनरोल किए थे और उसमें उस समय हमने अपना सब डाटा दिया हुआ था, बायोमेट्रिक्स दिया हुआ था, आईमेट्रिक्स दिया हुआ था, सब हमने दिया हुआ था, अगर वो इंफॉर्मेशन में भी कोई जाके मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन है सीआईडीआर को भेजे और ये मेरे पास रह गया मेरे पास, तो यहां से अगर उससे भी कोई ले या फिर वो कोई किसी को दे, इन दैट केस ऑल्सो 3 इयर्स प्लस 10,000 प्लस 1 लाख रुपीज तक का फाइन होगा। मतलब 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट उसके साथ 10,000 जो इंडिविजुअल किया होगा और जो कंपनी किया होगा 1 लाख रुपीज का फाइन होगा, 3 साल इंप्रिजनमेंट के साथ। नेक्स्ट इसमें आता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी एंड हैकिंग इज एन ऑफेंस। सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी इसमें क्या है, ये सीआईडीआर है जिसका काम है जितना भी आधार इंफॉर्मेशन ऑल इंडिया का है वो सभी को क्या करेगा, अपना रिपोजिटरी में बना के रखेगा, वो सिस्टम में उसको इंटीग्रेट करके रखेगा। अगर कोई बाहर से आदमी आके अनऑथराइज्ड
एक्सेस करे उसके ऊपर और ट्राई करे उसको हैक करने के लिए, देन इट इज एन ऑफेंस। तो उस केस में दोस्तों 1 करोड़ तक का फाइन होगा, 1 करोड़ तक का नहीं, 1 करोड़ का ही फाइन होगा प्लस 10 इयर्स का इंप्रिजनमेंट, 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट प्लस 1 करोड़ का फाइन। नेक्स्ट, अगर कोई टैम्पर करने की कोशिश करे सीआईडीआर को, सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी में जाके आधार इंफॉर्मेशन को कोई टैम्पर करने की कोशिश करे, मतलब किसका चेहरा और किसका बायोमेट्रिक्स, किसका आधार नंबर और किसका चेहरा, ऐसे अगर टैम्पर करने की, छेड़खानी करने की कोशिश करे तब भी उसको ऑफेंस माना जाएगा और उसको 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट प्लस 10,000 रुपीज INR भरना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मेरे नेक्स्ट सेशन के लिए भी वेट करेंगे। और आज मैंने कोशिश की कि कैसे आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन पर अगर कोई भी ऑफेंस हो, आधार रिलेटेड कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, कैसे 1 करोड़ तक का फाइन पड़ सकता है, तो इससे बचें और खुद को भी बचा के रखें। थैंक यू।